जमीनी विवाद में तड़तड़ाई गोलियां, ग्राम प्रधान पर गोली चलाने का लगाया आरोप। सुरीर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भालई में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए झगड़े के दौरान गोली चलने से हड़कंप मच गया। फायरिंग की सूचना पर इलाका पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को हिरासत में ले लिया, जहां एक पक्ष ने ग्राम प्रधान पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। बुधवार को गांव भालाई से दर्जनों की संख्या में ग्रामीण कोतवाली सुरीर पहुंचे, जहां उन्होंने इंस्पेक्टर अशोक कुमार से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना था कि गांव की रहने वाली 75 वर्षीय प्रेमवती के कोई संतान नहीं है। पति की मौत के बाद प्रेमवती की जमीन पर उसके जेठ और उसके बेटों की नीयत खराब हो गई है, जिसको लेकर राजेंद्र और विनोद पक्ष में जमीन के रुपए को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें वर्तमान प्रधान द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसको लेकर दर्जनों ग्रामीण वृद्ध महिला को लेकर सुरीर थाने पहुंचे हैं। मैं आपका प्रेमवती जी, कहाँ की रहने वाली हो? क्या घटना हुई, किस लिए आई हो आप थाने? खेत के ऊपर क्या हुआ था? खेत के ऊपर हिस्सा मांगे में हिस्सा ना था। ये कितना खेत है? 9.5 बीघा। आपके बच्चे नहीं है? ना, मेरा आदमी भी ना, मेरे बच्चे भी ना। रात को क्या घटना हुई थी? रात को ये हुई कि यहाँ पे भाभी है, वो फेर कर गई और फिर गाड़ी गई है। किसने फायर किए थे? राम खिलाड़ी झगड़ा करने आया था। हाँ। कौन है राम खिलाड़ी? प्रधान मामर को। और कौन है? अभी आप थाने आई हो, ये सब लोग आए हैं। हाँ। क्या कार्रवाई हो रही है आपको? बटे चलिए फिर राजी मेरे मन आवे तो खाई दऊंगी, लेना दूंगी मेरे बुढ़ापा मुकुर लुट दिएगा क्या महाराज। अब यहाँ पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है?